ग्रुप एलिमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, वैलेंस शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, देयरफॉर इट्स प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल, केमिकल रिएक्शन इक्वल बट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होगा कोई मुझे बताएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हाइल डिफरेंट इन अ ग्रुप एलिमेंट्स, हाँ, इन डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक मास आल्सो इंक्रीज, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन इट्स मास। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मास पे, तो अगर उसका मास चेंज हो जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सभी चेंज हो जाएंगे। क्लियर बेटा? फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, किसी को याद है फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स थे? जाए फ्रांस चली गई, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। सेकंड ग्रुप में कौन से थे एलिमेंट्स? अरे वेरी नाइस बेटा। फिर 13 ग्रुप में कौन से एलिमेंट थे? हाँ सही है सही है सही है, एकदम सही जा रहे हो बेटा। बैंगा नालू गाजर इन थैली फिर नाने गए। चलो फिर 14 ग्रुप में कौन से थे? से पार्ले जी बिस्किट खाया फ्लोर पे बैठ के। अरे वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो ये कैसा है मालूम है, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में अगर लिखना है तो मुझे एलिमेंट्स का ऑर्डर तो पता होना चाहिए। अब सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कहाँ से हम रट्टा मार सकते हैं, उससे अच्छा है इजी मेथड से प्रिपेयर कर दो। चलो 16 ग्रुप एलिमेंट में क्या था? अरे 15 ग्रुप में क्या था बेटा? ना पास हुई, बी एस एफ भी पास, मस्त दिखते थे, अला मस्त दिखते थे। अरे यार बोलो। फिर 16 में क्या था? ऑसम था, सिटी लगाई, पोलो ग्राउंड में बुलाया, क्योंकि उसके साथ में लव हो गया। अला बोलो। हाँ क्या ऐसा क्यों करते हो यार? आपको याद ही है, याद ही है। तो अभी मुझे क्या पढ़ना है? तो डिस्कशन ऑफ अ ग्रुप एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एवरी ग्रुप में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसका मुझे आज पूरा टेबल क्लियर करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखता हूं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। चलो सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, चलो यहां पे मैं लिखता हूं उसका एटॉमिक नंबर। देखो आज ही सबके एटॉमिक नंबर आपको याद रह जाएंगे, बराबर। सेकंड नंबर में मैं क्या लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं उसका सिंबल। फिर यहां पे मुझे क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो फिर से एक बार कोई मुझे बताएगा व्हिच एलिमेंट्स नॉन एज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स? नहीं मुझे बेटा ऐसे ही याद रखना है, ली ना के रूबी सीजे फ्रांस चली गई। चलो क्लियर। ये सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में हमें पढ़ना है,
ये तो मैं आपको क्या है, कौन सी चीजें केमिस्ट्री में आती है, जैसे कि हम कोई फिल्म देखने जाते हैं ना, तो उसके पहले एक छोटा सा ट्रेलर आता है, वो ट्रेलर से हमें पता चलता है कि हमें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। समझ रहे हो? बराबर। तो आगे जाके मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो लीना के रूबी सीजे फ्रांस चली गई। अब आपको 1 to 10 के एटॉमिक नंबर याद है। चलो कोई मुझे बताएगा 1 to 10 में कौन से एलिमेंट्स थे। चलो यहां मैंने लिखा है, क्या आप बात कर रहे हो, कितना खतरनाक रट्टा मारा है, जबरदस्त रट्टा मारा है यार, हैं? जबरदस्त रट्टा मारा हुआ है। बट हमें याद कैसे रखना है, प्रॉपर टेक्निक से याद रखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो सबको आ गया 1 to 10? बेटा ये तो हमें आता ही है ना, आप सोच रहे होगे सर मजाक क्यों कर रहे हो, है 1 to 10 तो हमें आता ही है ना। चलो देखो मैं यहां पे एक मिनट में याद करवा देता हूं आपको। हाय हेली बेबो, फिर से एक बार, हाय हेली बेबो मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। हाय हेली बेबो, बी सी ने ऑक्सीजन फावे नहीं, बोलो बी और सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको ऑक्सीजन अच्छा नहीं लगता है। चला पता है, हाय हेली बेबो बी सी ने ऑक्सीजन फावे नहीं, चला पता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, चलो एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम कितना आएगा, 3। अब किसी को पता है बेटा, आप 9th या 10th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा पढ़े होंगे, 2 8 8 18 18 32 32, ऐसा आपने कुछ पढ़ा था, ये क्या है बोलो, कोई मुझे बताएगा 2 8 8 18 18 32 32, व्हाट? हाँ वेरी नाइस बेटा, जो बहुत सारा आपको आता है, बराबर। आप सोच रहे थे ना कि एग्जाम नहीं लिया, एग्जाम नहीं लिया, बट जो आपके पास नॉलेज है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं आगे जाके यूज होता ही है। ऐसा नहीं है कि हमने 1 to 10 जो पढ़ाई की है वो हमें 11th 12th में यूज नहीं हो सकती, नहीं तो डायरेक्ट आपको साइंस में एडमिशन नहीं दे देते, चलो 11th साइंस स्टार्ट कर दो। क्यों ऐसा नहीं करते, क्योंकि साइंस के लिए वो सब आगे की चीजें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। समझ रहे हो? तो एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3। तो यहां से तो बाकी के मुझे ऐसे ही आ जाएंगे, देखो यहां से घुसाओ रिवर्सल, 32 18 18 8 8, फिर से एक बार 32 18 18 8 8। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना हो गया, 11। चलो उसके बाद में 19, ला बोलो, उसके बाद में 37, उसके बाद में कितना 55, और उसके बाद में 87। मेरा थोड़ा मैथ्स वीक है, हाँ बोलते रहना। तो इतने तक क्लियर आपका? अब मैंने उसको फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा, फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा, क्यों मैंने सेकंड ग्रुप में नहीं रखा, क्यों मैंने थर्ड ग्रुप में नहीं रखा? तो कोई मुझे बताएगा, फर्स्ट ग्रुप में मैंने इसको अरेंज किया क्यों? हाँ, फर्स्ट ग्रुप इट मींस व्हाट, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन ऑल एलिमेंट्स,
इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स वन होगा, तो इसीलिए तो मैंने फर्स्ट ग्रुप में रखा होगा। जैसे मैंने आपको इसके अगले लेक्चर में बताया था कि आप किसी भी स्कूल में जाते हो ना, तो उसका पर्टिकुलर एक ड्रेस कोड होता है, तो यहां भी वही हुआ कि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन ऑल एलिमेंट्स वन, दैट फॉर ऑल एलिमेंट्स इन अ फर्स्ट ग्रुप। मैंने फर्स्ट ग्रुप में उसको क्यों रखा, क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नंबर वन होगा। कितना होगा बेटा, वन। तो उसका मतलब यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन एनएस वन होगा। बोला, तो कोई मुझे बताएगा ये मैंने एन क्यों लिखा? एन नंबर ऑफ पीरियड, वो कौन से पीरियड में है? जैसे कि फर्स्ट पीरियड में आएगा तो एन का वैल्यू मुझे वन लेना पड़ेगा, अगर सेकंड पीरियड में आता है तो एन का वैल्यू मुझे टू लेना पड़ेगा, अगर थर्ड में आता है तो एन का वैल्यू मुझे थ्री लेना पड़ेगा। चला पता है? तो हाँ बोलो बेटा, मैं बताता हूं ना बेटा, हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियाडिक टेबल, तो फोर टाइप था, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। याद आया, मैंने फर्स्ट टू नंबर के रो पे क्या लिखा था, एस ब्लॉक ऐसा लिखा था। याद आया, मैंने फर्स्ट और सेकंड के ऊपर लिखा था बेटा एस ब्लॉक, बराबर। फिर 3 to 12 के ऊपर लिखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स नॉन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन इलेक्ट्रॉन फील इन पी ऑर्बिटल वाइल इलेक्ट्रॉन फील इन एस ऑर्बिटल, तो वो मेरा एस ब्लॉक हो जाएगा। जैसे कि मैंने जो ड्रेस पहना है उसी ग्रुप में मैं जाऊंगा, तो उसका मतलब मेरा एडमिशन कहाँ पे हुआ, तो वो स्कूल में हो गया। तो अब जिसके आउटर मोस्ट में एस होगा वो मेरा एस में आएगा। सलाह पता? हाँ, तो उसका मतलब वो हो गया बेटा कि यहां मेरा 2s1 आ सकता है, तो उसके बाद में 3s1 आएगा, उसके बाद में 4s1 आएगा, उसके बाद में 5s1, 6s1, 7s1, क्योंकि ये मेरा सेकंड पीरियड में आएगा, ये थर्ड पीरियड में आएगा, ये फोर्थ पीरियड में आएगा। अब पीरियाडिक टेबल को देखो, बराबर, पीरियाडिक टेबल में यहां पे जो होगा वो बीच में आपका आता है हाइड्रोजन, फिर यहां से स्टार्ट होता है हमारा ऐसे, यहां एस ब्लॉक आता है, यहां पी ब्लॉक आता है, यहां पे डी ब्लॉक आता है। बोलो, तो फर्स्ट वाले में तो हाइड्रोजन के साथ में हीलियम ही आता है, हाइड्रोजन के साथ में हीलियम आता है, आता है कि नहीं आता है? हां, तो अभी आप वो सोचोगे कि सर आपने 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 लिख दिया, तो उसके आगे क्या आ सकता है, उसके आगे क्या आएगा? तो इसके आगे आएगा नोबेल गैस एलिमेंट, हीलियम कंप्लीट आएगा। अब आप सोचोगे सर हीलियम कंप्लीट कैसे आ गया, हीलियम कंप्लीट कहां से आया? तो याद करो, हाँ, जैसे कि आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा ना, तो ऐसा पढ़ा होगा कि लिथियम 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन ऑफ लिथियम तो आप 2 और 1 ऐसा लिखते थे। बोलो, तो उसका मतलब ये 2 वाला जो है ना, 2 वाला वो तो मेरा हीलियम कंप्लीट है, और यहां पे जो 1 इलेक्ट्रॉन था फेल इन एस ऑर्बिटल। चला पता है? या तो फिर अभी आप इसको रहने दो, चलो इसको पहले मैं आपको ऐसे सिखाता हूं, ये 3 का मतलब मैं 2 1 लिख सकता हूं,
चलो 11 का मतलब क्या लिख सकता हूं, 281। चलो 19 का मतलब क्या होगा, 2881। आप जो सिक्के आए हो वही से हम स्टार्ट करते हैं। चलो 37 का मतलब क्या होता है, 2। वेरी नाइस बेटा। चलो 55, क्लियर। और लास्ट 87। चलो इतना पता चल गया सबको, 100% ना, 100% पता चला। हाँ अभी देखो इसको मैं आगे कैसे लिखता हूं। आपको पता है लास्ट 18 ग्रुप एलिमेंट्स, चलो कोई मुझे बताएगा 18 ग्रुप में एलिमेंट कौन से थे। हीना, नीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ओ माय गॉड, अरे वाह, वेरी नाइस। चलो एटॉमिक नंबर, अब मुझे पता है एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2। चलो इसके बाद में मुझे कहां से कहां जाना है, एक मिनट, मुझे पता है अगर ये लास्ट पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आते हैं तो मुझे यहां से स्टार्ट करना है, 32 32 18 18 8 8, क्योंकि पी ब्लॉक में सभी को पता है कि आगे वाले 10 तो एंटर होते ही है, फिर मैं 13 to 18 लिखता हूं तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका, 10 18 36 54 86। चलो ये पता चला सबको। तो अब अगर मैंने बेटा ऐसा लिखा यहां पे 21, तो 21 का मतलब 2 वाला तो मिला, हीलियम कंप्लीट हो गया, चला पता। चलो फिर मैंने क्या लिखा, 281, तो ये मेरा 10 का मतलब हो गया नियॉन कंप्लीट। फिर उसके बाद में आया 2881, तो ये मेरा क्या हो गया, आर्गन। फिर उसके बाद में 2881, तो इसके बाद में क्या आएगा, HENERKR। अब मुझे दिमाग में याद रखना है, हीना फिर नीना और करीना, फिर उसका एक्सरे, फिर रंगीन, क्लियर। चलो उसके आगे मैंने लिखा 2881881। चलो इसका मतलब ये आगे वाला क्या दिखाता है मुझे, एक्स। वेरी गुड बेटा, 2881832। हाँ रंगीन। और उसके बाद में 2881832321। ओ माय गॉड, चला बता। तो जो मेरा ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाता है, कंप्लीटली फिल, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल, दैट्स फॉर इट इज कॉल्ड हीलियम कंप्लीट, 10 इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड नियॉन कंप्लीट। मतलब जितने आगे फिल हो जाते हैं वहां पे मुझे क्या करना है, उसको कंप्लीट कर देना है। अब मुझे यहां दिखा ये 1, तो उसका मतलब यहां पे आ जाएगा 2s1, यहां पे क्या आएगा 3s1, यहां पे क्या आएगा 4s1, यहां पे क्या आएगा 5s1, यहां पे आएगा 6s1, यहां पे आएगा 7s1, यहां पे आएगा 8s1।
तो अब आप सोचोगे सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब लाए कहां से, लाए कहां से? तो देखो ये मेरा पीरियाडिक टेबल था ना, यहां पे हाइड्रोजन ये निकल गया यहां से। हाँ ध्यान से देखना, हाइड्रोजन को तो हमने बीच में रखा था, यहां पे मेरा हीलियम था, तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट पीरियड, फिर लिथियम वाले से हो जाएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा फोर, फिर आएगा फाइव, फिर आएगा 6, 7, 8। तो मतलब जो आगे मैंने लिखा है ना वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ पीरियड। क्या डिसाइड करता है बेटा? नंबर ऑफ पीरियड। चला पता? तो ये आगे जो मैं एच यानी आर के आर एक्स आर एन ये सब मुझे चैप्टर थर्ड में डिटेल में पढ़ना ही है, बट मैं जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 आएगा। अब वहां थर्ड चैप्टर का लॉजिक अगर फर्स्ट चैप्टर में आ गया, अब आपको वही पता नहीं है कि 11 एटॉमिक नंबर है तो दिक्कत हो जाएगी, बराबर? उसी लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा रहा हूं। तो ये सबको पता चला? चलो अभी मुझे वो बताना। हाँ बोलो बेटा। हाँ किसका एटॉमिक नंबर? एक मिनट कहां गया ये? इसके आगे वाले में? नहीं ये नहीं। मैंने आपको वो पढ़ाया बेटा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 उसमें। हाँ तो इसके पहले वाला कौन सा? ये एटीन ग्रुप। एक मिनट। हाँ ये मेरा 18 ग्रुप बराबर। नहीं ये तो मैंने आपको अलग से पढ़ाया, ये 18 वाला का यूज करके मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, समझ रहे हो? ये हाँ तो ये तो मेरे फर्स्ट ग्रुप वाले है ना, ये मैंने लिथियम का लिखा है, ये मैंने किसका लिखा है? लीना के रूबी सीजे फ्रांस, समझ रहे हो? इसका कंप्लीटली फिल हो गया। मतलब जिसने इनर्ट जैसा कर दिया, अब मुझे लंबा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जैसे 118 का मुझे लिखना हो तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चैप्टर थर्ड में आपको पढ़ाऊंगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3। अब ऐसा करके आप फील करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जिसका नोबेल जैसा हो जाता है उसको नोबेल में कन्वर्ट करके जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सिर्फ वही हमें यहां पे लिखने हैं। बात समझ रहे हो? तो आगे अगर 2 है तो उसका मतलब 2 वाला खत्म हो गया हीलियम लिख के। फिर उसके बार क्या है? तो कि भाई बार सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहां पे फिल हुआ? तो कि 2s ऑर्बिटल में। चला पता? हाँ मैं वही सिखा रहा हूं कि लिथियम का अगर मैं लिखूंगा तो हीलियम 2s1 लिख सकता हूं, बराबर? ये मैंने किसका लिखा है? ली ना के रूबी सीजय फ्रांस चली गई। चला पता? हाँ बस ऐसे पूछते रहना बेटा, अगर किसी चीज में ना पता चले ना तो पूछना है मुझे। चलो अब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट? बोलो
अभी मैंने आपको पढ़ाया कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन क्या होगा, वन। हाँ, बट मैं वन नहीं बोल सकता ना बेटा, एनएस वन ऐसा बोलना पड़ेगा, क्लियर। हाँ, तो अभी ध्यान से सुनना, क्यों मैं एलआई प्लस लिखता हूं, क्यों मैं एनए प्लस लिखता हूं, बराबर, क्यों मैं के प्लस लिखता हूं, क्यों आरबी प्लस लिखता हूं, क्यों सीएस प्लस लिखता हूं, कोई मुझे बताएगा कि क्यों मैंने सभी का चार्ज प्लस वन लिखा? हाँ, क्योंकि इसके आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, वो तो इनर्ट जैसा था, इनर्ट जैसा। अगर मुझे स्टेबल होना है, अगर मुझे स्टेबल होना है और अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको रिमूव कर सकता हूं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, चलो कितना आएगा, प्लस वन। तो ऑल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स रिमूव वन इलेक्ट्रॉन आफ्टर केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ऑलवेज प्लस वन, क्योंकि जब भी वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देंगे, क्लियर। तो अभी आपको 100% पता चला कि अगर फर्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन ही आएगा। कितना आएगा बेटा, प्लस वन, क्लियर, कोई डाउट, सभी का क्लियर ना बेटा। चलो अभी मैंने यहां पे लिखा सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, कोई मुझे बताएगा सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा हम टू नहीं बोल सकते, एनएस टू ऐसा बोलना पड़ेगा। तो यार आप लोग डॉक्टर इंजीनियर होके ऐसी गलती करते हो यार, अच्छा लगता है आपको यार, डॉक्टर इंजीनियर ऐसी गलती कर सकते हैं यार। अगर किसी को सरदर्द हो रहा है और सरदर्द की जगह पे कोई और दवाई दे दी, फिर दो दिन के बाद में अगर उसको अच्छा नहीं हुआ तो आके क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ना, कुछ नहीं करेगा ना, ला बोलो, अरे चला जाएगा, फिर कभी आपके क्लिनिक में नहीं आएगा। चलो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस वेरी नाइस बेटा, एनएस टू। चलो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स कौन से थे, सर 12, क्लियर। तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, तो आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आता है। चलो कहां से मैंने प्लस टू लिखा होगा, एक सीधी सी बात है बेटा कि मुझे क्या करना है मालूम है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 करना है। अब अगर किसी के आउटर मोस्ट में 2 के बाद में 1 होगा तो 1 तो कभी 8 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 8 करने के लिए अगर आपके पास 4 है तो आप 4 अटैच कर सकते हो, बराबर, पर 1 होगा और आप किसी को बोलोगे मुझे 7 दो तो कोई देगा, ला देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, क्योंकि उसको पॉसिबिलिटी नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो उसका मतलब वो सोचेगा चलो 1 से अच्छा है मैं ही खुद रिमूव कर देता हूं। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, तो अभी पता चला बेटा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
डिपेंड ऑन इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, जो हम बोलते हैं कि इतने बॉन्ड क्रिएट किए, इसने आयोनिक बॉन्ड प्रिपेयर किया, इसने कोवेलेंट बॉन्ड प्रिपेयर किया, वो सब डिपेंड करता है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। अगर कम इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो रिमूव कर देगा, बराबर। अगर लेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब समझो कि 7 के अराउंड हो गए, तो वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि आपको पता है, देखो इसके बाद में मैं लिखता हूं हैलोजन, यहां मैंने लिखा 17 ग्रुप। चलो 17 ग्रुप में क्या आता है? हैलोजन, 17 में हैलोजन आते हैं ना? कौन सा आता है 17 में? फूल लेके बाहर आई, अटक गई टेरेस पे, टेरेस पे अटक गई, तो उसका मतलब वो हुआ। देखो यहां 17 का मतलब वो हुआ कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, कर सकता है ना, क्योंकि मुझे 8 कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने लेस है? 1। तो हैलोजन ग्रुप एलिमेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन ग्रुप एलिमेंट्स क्या आएगा? -1। सबको पता चला? 100% बेटा पता चल रहा है, कब आंसर जा रहा है? 10 से तो मजा आता है ना। हाँ, जितना आप अंडरस्टैंड करोगे ना बेटा, उतना साइंस आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं लिख के देता हूं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये चीज ऐसे आई, कैसे आई? ऐसे हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए। साइंस का मतलब ही यही होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया Na+, आपने सोच लिया Na+ होता है, बट एक बार आपके दिमाग में वो आया कि Na+ कहां से हुआ, Cl- कहां से हुआ? नहीं, तो उसका मतलब K के ऊपर प्लस लिखेंगे तो आप ऐसा ही सोचोगे, हाँ भाई K+ ही होता है। क्यों होता है वो हमें दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, उसने रिमूव कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, देयरफॉर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इन ऑल एलिमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर +1। क्लियर? चलो अब यहां पे मैं लिखता हूं आयोनिक बॉन्ड। चलो ये सभी चीजें मुझे कहां पे पढ़नी है मालूम है? चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, उसमें जो जो चीजें मुझे बेसिक चाहिए ना, वो मैं एक साथ में आपको 3 चैप्टर के बेसिक फंडा सिखा रहा हूं। कितने चैप्टर के बेसिक फंडा? 3 चैप्टर के बेसिक फंडा। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है? जैसे कि यहां मैंने एग्जांपल लिख दिया NaCl, उसके बाद में लिखा KCl, CHCl, फिर यहां पे मैंने लिखा MgCl2, यहां पे लिखा BaCl2, बराबर। फिर नीचे में यहां पे लिखता हूं AlCl3, फिर उसके बाद में मैं लिखता हूं CCl4, बराबर। तो अब आप सोचो, चलो यहां पे भी आयोनिक बॉन्ड है, 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 तो ये NaCl ही क्यों होता है? क्यों मैं NaCl2 नहीं लिख सकता? क्यों मैं Na2Cl नहीं लिख सकता? क्यों मैं NaCl4 नहीं लिख सकता? हां, बस मुझे यही चीजें चाहिए, यही चीजें चाहिए। तो ये जो मेरा सोडियम है ना बेटा, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट था सोडियम,
उसके बाद में जो मेरा 17 ग्रुप था उसमें मेरा एलिमेंट आया क्लोरीन। अब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इट मींस आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 17 में आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 7। तो यहां पे इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, डोनेट किया। तो 17 ग्रुप वाले ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। अब जिसने डोनेट किया चार्ज पॉजिटिव हो गया, जिसने एक्सेप्ट किया चार्ज नेगेटिव हो गया। जब मैं इसको कंबाइन करूंगा क्या करूंगा बेटा, तो ये गया, चलो NaCl, तो यहां पे मेरा हो गया Na+Cl-, चार्ज न्यूट्रल हो गया। तो ये मेरा कंपाउंड कौन सा आ गया, NaCl। 100% हमजन पड़ता है, हाँ। तो वैसे ही मुझे बताओ मैंने क्यों MgCl2 ही लिखा, बोलो। ये मेरा सेकंड ग्रुप है, ये मेरा 17 ग्रुप है, तो उसका मतलब ये तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही। और ये क्या करता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बराबर। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और ये क्या करेगा, गेन। तो मुझे वो पता चला कि एमजी ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो चार्ज ऑफ एमजी कन्वर्ट इनटू Mg2+, क्लियर। तो यहां पे जो Cl था ना उसका कैपेसिटी तो सिर्फ 1 का था, 1 का ही है ना, हाँ। तो आपने अभी तक कोई केमिकल इक्वेशन ऐसा दिखा जिसमें इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ हो ना, तो उसका मतलब जिसने डोनेट किया है, जितने डोनेट किए हैं उसके नेबर में जितना होगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे 2 है, तो यहां पे मुझे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहां मेरा क्या हो गया, देखो Mg2+2Cl-, तो ये दोनों को अटैच करके मैं MgCl2 लिख सकता हूं, हाँ। तो हमें ऐसे पता चलना चाहिए कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। अगर मुझे वही चीज नहीं पता है तो आपने सोच लिया MgCl2 का मतलब MgCl2, पर क्यों MgCl2 ही लिखा, क्यों MgCl3 नहीं लिखा, क्यों 4 नहीं लिखा, क्योंकि साइंस के पर्टिकुलर रूल्स होते हैं कि अगर ये ग्रुप में आता है वो इतना ही डोनेट कर सकता है, इतना ही एक्सेप्ट कर सकता है। चलो तो अभी मुझे यहां पे वो बताना कि यहां पे मेरा 13 ग्रुप, हाँ बोलो बेटा, कौन सी चीज बेटा, अभी आगे वाला, ये नहीं पता चला बेटा, हाँ। देखो एमजी मेरे कौन से ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप, चलो वो तो पता चला कि सेकंड ग्रुप में आता है। अब सेकंड ग्रुप में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो उसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, बोलो, हाँ। अब 17 ग्रुप के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, बोलो, हाँ। तो उससे अगर 8 कंप्लीट करना है तो क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चला पता बेटा। तो मतलब इसका चार्ज हो जाएगा माइनस, इसका चार्ज हो जाएगा प्लस। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे,
बट यहाँ पे क्लोरीन का कैपेसिटी कितना है? एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बोलो बेटा। तो दो क्लोरीन लोगे तो ही दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, चला बेटा पता? जिसको अभी डाउट था बेटा, हुआ क्लियर? किसी को डाउट था ना बेटा? किसने मुझे पूछा था अभी? प्रीतवंती, क्लियर हुआ बेटा? कहाँ चली गई? अलग चाय पीने गई कि नाश्ता करने गई बेटा? हाँ, अकेला अकेला चाय पियोगे नाश्ता करोगे पेट में दुखेगा, अकेले अकेले नहीं खाना है, मुझे भी खिलाना है, ऐसे थोड़ा खा सकते अकेले अकेले। चलो अब यहां पे मैंने लिखा 13 ग्रुप एलिमेंट्स, उसके नेबर में लिखा 17 ग्रुप एलिमेंट्स। चलो अभी कोई मुझे बताएगा 13 और 17 के बीच में क्या होता है? अगर मुझे इसमें आयोनिक बॉन्ड प्रिपेयर करना है तो 13 वाला क्या करेगा, 17 वाला क्या करेगा? सपोज यहां मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, यहां मैंने क्लोरीन ले लिया, हाँ, तो ये 13 वाला क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट, वेरी नाइस बेटा। चलो 17 वाला क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन। अब सोचो इसने तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, उसका मतलब जो मैंने एल्यूमिनियम लिखा था ना, एल्यूमिनियम 3 प्लस हो गया, डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे मैंने Cl लिखा। अब कैपेसिटी ऑफ Cl एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ओनली 1। अब एल्यूमिनियम ने तो 3 डोनेट कर दिए, क्लोरीन को अटैच होना है, तो ऐसे कैसे अटैच कर पाओगे? तो मुझे नंबर ऑफ क्लोरीन कितने करने पड़ेंगे? 3। हाँ बेटा, कब से तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूं यार। तो यहां पे मेरा आयोनिक कंपाउंड क्या हो गया? AlCl3। बोला सबको पता चला? चलो अब लास्ट में मुझे ये बताना तो कंप्लीट हो जाए कि चलो आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है, आपको आ जाएगा। यहां मैंने लिखा 14 ग्रुप एलिमेंट्स और उसके नेबर में लिखा मैंने 17 ग्रुप। यहां पे मैंने कार्बन लिया, यहां पे मैंने क्लोरीन लिया, चलो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? कैसे CCl4 आया? डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन और 17 वाला गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब सी के अराउंड में Cl तो आएगा बट इसने 4 डोनेट किए, तो यहां पे मुझे कितने नंबर ले लेने पड़ेंगे? CCl4। आला पता सलाह, 100%। ऐसी चीजें हैं बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें क्या होता है मालूम है, हम ट्राई नहीं करते वो कैसे आता है, फिर क्या करते हैं मालूम है, सीधा रट्टा मारने जाते हैं। अब रट्टा मारोगे लास्ट टाइम पे अगर रिवाइज नहीं होता है फिर क्या होता है, बोलते हैं सर हम डिप्रेशन में आ गए। भाई डिक्शनरी में डिप्रेशन जैसा कोई वर्ड्स होना ही नहीं चाहिए। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन, मैं तो अपनी लाइफ में कभी भी डिप्रेशन में नहीं आया, 42 की एज हो गई, देखो 42 की एज है मेरी, डिप्रेशन वर्ड्स का मीनिंग मुझे नहीं पता है। क्या होता है डिप्रेशन है? अगर अच्छे से हम फर्स्ट डे से प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि कोई एग्जाम होता है तो एग्जाम के 365 डेज के पहले आपको वो लोग बता देते हैं कि एक साल के बाद में हमें एग्जाम देना है। अगर फर्स्ट डे से हमने पढ़ाई स्टार्ट किया तो आफ्टर 365 डेज आपका सब प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आज बोलते हैं कल एग्जाम है और डायरेक्ट एग्जाम ले लेते हैं। कभी ऐसा किया है या तो आपने ऐसा सुना है कि आज आप 11 साइंस में आ गए, कल मैंने आपको बोला
कि पूरे बुक का एग्जाम में प्रिपेयर करके आ जाना, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? बोलो उसका मतलब क्या हुआ? पढ़ाने वाला अब वो देखो, कोई भी चीज अब जो टेंथ में पढ़ते थे ना, शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में आधा चैप्टर, दूसरे दिन में चैप्टर खत्म भी हो सकता है, ऐसा टेंथ में होता होगा। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो एक चैप्टर एक वीक, दो वीक, तीन वीक तक चलेगा, कोई चैप्टर तो ऐसा होगा चार वीक तक चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें हर क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंडिंग होगी ना, आप ऐसे बैठे होंगे, कोई आपको बोलेगा भाई ये चीज कैसे आई, तो आप इजीली आप उसको बता पाओगे। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूँ? पढ़ाई दो तरीके से होती पढ़ाई दो तरीके से होती है, एक होता है स्मार्ट वर्क और दूसरा होता है हार्ड वर्क। ये दोनों में डिफरेंस क्या है मालूम है? स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, उसको मैं लाइफ टाइम याद रख सकता हूँ। और हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? पता नहीं है कहाँ से आया, कैसे आया, क्या आया, बस सिर्फ रट्टा मारो, रट्टा मारो, रट्टा मारो, रट्टा मारा, एक वीक के बाद में पढ़ने बैठे तो किस साला कुछ याद नहीं आ रहा है, तो कहाँ से याद आएगा? साइंस का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, फिर उसको अच्छे से पढ़ो, फिर उसको एक बार लिखो, फिर उसको रिमेंबर करके जो भी टेस्ट होते हैं ना, वो रेगुलर टेस्ट देते रहो। आप छोटी छोटी चीज़ों को प्रिपेयर कर दोगे ना, तो लास्ट डे में ऐसा होगा कि प्रिपेयर करने जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को बेटा? तो हमें वो चीज करनी, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे ही साइंस में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। मैं ऐसा तो आपको कभी नहीं बोलूँगा कि 12 घंटे पढ़ाई करो, 13 घंटे पढ़ाई करो, कुछ नहीं निकलता है। कुछ कुछ लोग कैसे होते हैं मालूम है, ऐसे बुक पकड़ के बैठ जाएंगे, दो घंटे के बाद में पूछेंगे क्या पढ़ा, तो कि पता नहीं ये साइंटिस्ट कुछ बोल रहा है। अरे भाई वो तो कब से बोल के चला गया है, तुम्हें अंडरस्टैंड ही नहीं है तो। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका माइंड उतना शार्प होता है कि एक घंटे में 3-4-5 पेज प्रिपेयर कर देते हैं ना। आप ही देखो, आपके साथ में घूमने वाला आपका फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कम पढ़ाई कर रहा हो, फिर भी वो अच्छे मार्क्स लाता होगा। कोई इंसान ऐसा होगा जो पूरे दिन भूख पकड़ के बैठा रहेगा, फिर भी रिजल्ट आएगा तो 50 out of 5। अरे 50 out of 5 का मतलब क्या? साला पूरे दिन तू पढ़ाई करता है तो पीछे का 0 कहाँ चला गया? तो कि सर आगे आ गया। कहाँ आ गया? आगे आ गया। तो उसने क्या किया? हार्ड वर्क किया। टीचर जब पढ़ाते थे ना, तब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, फिर रट्टा मारने गया, फिर उसको एग्जाम में याद ही नहीं आया कि रट्टा क्या मारा था। समझ रहे हो? तो हमें बेटा स्मार्ट वर्क करना है। कौन सा वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, बराबर। ये सब चीज़ें मैंने बेसिक पढ़ाई, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सभी चैप्टर में ये आएगा ही। और अगर किसी का एडमिशन फॉर्म कंफर्म नहीं किया है, तो ये वीक में करवा देना, बराबर। क्योंकि अगले वीक से जो लेक्चर आएंगे, जितने लोगों ने एडमिशन लिया है, उसी को लिंक जाएगा। अगर आपके आसपास अगर कोई बच्चा है, तो उनको वीडियो दिखाओ कि देखो एक पागल इंसान है जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, दूसरा एक पागल आया है जो फिजिक्स पढ़ाता है, और मैथ्स वाला तो सबसे ज़्यादा पागल है, और अभी बायोलॉजी वाला को तो आपने देखा नहीं है। कल देखा था ना, क्या बोल रहे थे? अगर मेरा होमवर्क नहीं करोगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, है कल बोला था ना। हमें क्या चाहिए मालूम है बेटा? आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमारे साथ ज्वाइंट हुए, तो आपका रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको ढेर सारा प्यार भी करेंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे, और जब हमारा दिमाग जाएगा ना, आप प्रिपरेशन नहीं करोगे ना, तो फिर हम सबसे बुरे आपको लगेंगे कि वो केमिस्ट्री वाला टीचर है ना, पता नहीं साला एकदम पागल हो जाता है, बराबर। तो कुछ भी करके हमें क्या करना है? रिजल्ट लाना है। क्योंकि हम बोलेंगे हम अच्छा पढ़ा रहेंगे,
अब अच्छा पढ़ाते ऐसा बोलेंगे, फिर आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे तो हम कहां से अच्छा पढ़ाते? समझ रहे हो बात को? तो आज के जितने भी टॉपिक थे सब क्लियर बेटा? YouTube पे ये वीडियो मिल जाएगा। हाँ, और ये वीडियो का लिंक आपको YouTube पे भेजते हैं फिर अंदर डाल के। और कितने हैं? हाँ बोलो बेटा। हाँ वो आएगा ना, वो सब आएगा बेटा पढ़ने का। बट कितने अटैच कर सकता है? नहीं, कितने अटैच कर सकता है तो 4। समझे? मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा, देखो मैंने सभी में इक्वेशन लिखा, इसमें मैंने इक्वेशन नहीं लिखा, तो उसका मतलब आयोनिक बॉन्ड नहीं होता होगा ना। अगर आयोनिक बॉन्ड होता तो मैं ऐसा नहीं लिखता सी डॉनेट सी फोर प्लस प्लस फोर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो उसका मतलब इसमें बॉन्ड आयोनिक नहीं होगा। बट यहां से मुझे वो पता चला कि उसके अराउंड में 4 अटैच कर सकता हूं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका बायोलॉजी और मैथ्स का लेक्चर होगा थोड़ी देर बाद, बराबर? कितने बजे हैं? 5 मिनट के बाद। हाँ, 5 मिनट के बाद में रिज्वाइन करना है, या तो फिर इसी पे रिज्वाइन रहो, बायोलॉजी वाले लिंक पे चले जाना।